एनविसेज uh, किया गया था जिसमें यह उद्देश्य था कि भारत की जो नेवी है उसमें कुछ सबमरीन्स बनाई जाएंगी नाउ दैट प्रोजेक्ट विच वॉज एनवि 21 वन ईयर्स अगो उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया गया है एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेंडर इशू कर दिए हैं जिसके अंदर छह नए कन्वेंशनल सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोलेशन सिस्टम्स आर टू बी बिल्ड अगेन उसकी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है हमारा उद्देश्य यह जानना है कि बेसिकली जो डिफेंस एक्विजिशन हो रही है उसमें एक प्रोजेक्ट था जो कि काफी साल पहले स्टार्ट किया गया था 2007 के करीब में उसको प्लान था कि हम सबमरीन बनाएंगे हव एवर देन इट वाज एक्चुअली इन द लिम्बो अब उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है द डिसीजन वॉज टेकन बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज दाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर कोई भी बड़ा डिफेंस एक्विजिशन करना होता है बड़े जहाज सबमरीन एरोप्लेन या टैंक्स कुछ भी जो चीजें खरीदनी होती हैं, उसका जो डिसीजन है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करती है डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई थी कि भारत में जो इंडियन शिप हैं, उसमें से चुना जाए जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है There are several shipyards in India, पर में से पब्लिक के, के द्वारा सारे सारे तो उन उनके साथ कोलेबोरेशन में मिलके, भारत के अंदर ही वो सबमरीन बनाई जाएंगी दो इंडियन शिपयार्ड जिसमें से एक सबसे पहले है माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड

एक्सपोर्ट रूबीन डिजाइन ब्यूरो फिर जर्मनी का और फ्रांस का एंड स्पेन का एंड साउथ कोरिया का शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग विच वॉर्ट शॉर्टलिस्टेड जो कि सबमरीन बनाने में मदद करेंगी इन दोनों के दोनों शिप की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि दिस इज बेसिकली प्रोसेस्ड अंडर द्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल राइट क्योंकि हम सबमरीन उनसे खरीद नहीं रहे हैं बट वी आर एक्चुअली गिविंग इन पार्टनरशिप की दे बी हेल्पिंग इंडियन शिप a collaboration project mein, they'll be helping indian shipyards to build the submarine as per the requirements of the defence ministry or navy 2 per se this would be one of the largest make in india project obviously the thalis hazar ka project hai, and will serve to facilitate faster and more significant absorption of technology now with accord of this approval the country will enable to achieve its 30-year submarine construction program envisioned by the government to acquire national competence प्लान एक्चुअली में ये था जो प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव प्लान था इस प्रोजेक्ट सेवेंटी प्लान के तहत उद्देश्य में, कम कम so में लिंबो पे था डिफेंस तो मिनिस्ट्री ने दो हजार में उसको दोबारा से प्रायोरिटी के ऊपर डाल दिया था पी सेवेंटी फाइव आई इज पार्ट ऑफ इंडिया ईयर ओल्ड बिल्डिंग प्लान इन टू थाउजेंड थर्टी इसका उद्देश्य यह था कि चौबीस सबमरीन बनाए जाएंगी जिसमें से 18 से 18 कन्वेंशनल सबमरीन होंगी और जो 6 होंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट uh, होती है उसका सबसे पावरफुल वन ऑफ दी सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है देर आर हैंडफुल ऑफ द कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है एंड इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिट्रेक्टर अगेंस्ट दी लेट्स से की जो हमारी मेन कंपटीशन है चाइना और पाकिस्तान इन uh, 2016 थाउजेंड सिक्सटीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर उस समय हुआ करते थे उन्होंने एक नया सबमरीन प्लान सबमिट किया था जो कि कहा था कि ये 2050 तक चलना चाहिए एंड वी शैल बी मेकिंग एटलीस्टी फोर सब मरीन पी सेवेंटी फाइव वॉज फर्स्ट क्लियर इन टू थाउजेंड सेवन बट उसके बाद उसके बाद उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं था इट वॉज लाइंग इन द लिम्बो फिर फेबर टू थाउजेंड उन्नीस में इसको एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया था कि ये जरूरत है इन सब को बनाने की भारत के रक्षा मंत्रालय uh, uh, को एंड दे शुड गो हैड विद द डिस्कशंस इन द प्रोपोजल्स और आइडियाज को डिस्कस करने के लिए एंड दिस प्रपोजल है इन दी माजागाक यार्ड एंड लार्सन एंड टूब्रो के जो शिप यार्ड है

मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज ऑब्वियसली द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल अगेन रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मंत्री होंगे वही उनके चेयरमैन होंगे नथिंग साइंस ईयर इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकेकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग सो कारगिल वॉर के बाद बेसिकली हमें बदलाव लाना था कुछ चीज़ों के अंदर एंड देन इट वॉज फॉर्म तब से लेकर जो भी मेजर एक्विजीशन uh, या प्रोक्योरमेंट होती है डिफेंस मैनुफैक्चरिंग uh, के द्वारा डिफेंस के द्वारा वो इस uh, के द्वारा किया जाते हैं काउंसिल वर्क्स डायरेक्टली अंडर द डिफेंस मिनिस्टर इट मींस डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट ओनली ऑफ काउंसिल, इट इज बेसिकली हेड तो डीएसी के हेड कौन होंगे हमारे रक्षा मंत्री जो कि इस श्री राजनाथ सिंह जी हैं। सेवरल नेशन नीड्स टू भी टेकन टू मेंटेन पीस इन कंट्री एंड अमंग कंट्री डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल हेल्पस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गाइड्स थ्रू द प्लानिंग इस डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल में नेवी के जो हैड होते हैं वो भी होते हैं आर्मी के जो हैड एयरफोर्स है, के जो हेड है जो डिफेंस सेक्रेटरी है सो बेसिकली इट्स अ बिग काउंसिल ताकि सारे के सारे जो डिफेंस के जो डिसीजन है एक सिंगुलर

If you need the PDF of this class you can join this Telegram channel and if you need to connect with me there is so many social medias you can go anywhere you want i'll see you in the next class